डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर होता क्या है, देखिए एक ऐसा डिवाइस जिसको हम कुछ भी हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर, जैसे आप गेम खेलते हो, कोई फाइल वगैरह बनाते हो, जो भी काम आप कंप्यूटर से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी काम करते हो वो क्या होता है, कंप्यूटर का काम। अब देखिए कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो क्या करती है, डेटा को कैलकुलेट करती है और उसको स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मतलब आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है जो आपका डिजिटल वे में काम करे। डिजिटल वे में जैसे आपका कंप्यूटर के अंदर जो काम होता है वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि डिजिटल वर्क होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क होता है आपका जो इलेक्ट्रिकल से चले और डिजिटल वे में चले, उसको क्या काम कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कंप्यूटर के मेनली दो पार्ट होते हैं, नंबर वन होता है हार्डवेयर, अब हार्डवेयर आपके क्या होते हैं, ऐसे पार्ट कंप्यूटर के, ऐसे पार्ट जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर। ऐसे पार्ट जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपके फोन में कोई सॉफ्टवेयर है, आपके फोटोज का सॉफ्टवेयर है, आपके इंटरनेट का सॉफ्टवेयर है, ये सब चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती हैं, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। और हार्डवेयर के पार्ट को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हार्डवेयर। और जो टच नहीं कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स these parts we can touch physically, physically मतलब आप खुद से उसको टच कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, physically। और ऐसे पार्ट जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर के अंदर। और जो पार्ट टच नहीं कर सकते और स्टोर होते हैं उनको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। Cannot touch physically. Those parts.
पार्ट वी कैन नॉट टच फिजिकली बट स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली। उनको क्या बोलते हैं हम, जो हम फिजिकली टच यानी कि हाथ से छू नहीं सकते बट इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर मतलब आपका कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपके फोन में है, फोन में आपके गैलरी का ऑप्शन है, जैसे कि आपका फोटोज का है, यूसी ब्राउजर का है, गूगल क्रोम का है, आप उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते लेकिन वो आपके फोन के अंदर स्टोर होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो जाते हैं और सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको। ठीक है, हार्डवेयर का एग्जांपल देखो आप, हार्डवेयर के एग्जांपल में आएगा आपका सीपीयू, मॉनिटर, और आपका मदरबोर्ड, यानी कि इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जो मेन मेन पार्ट हैं वो आपको बता दिया है। अब सॉफ्टवेयर के पार्ट कौन कौन से हैं, अब देखो सॉफ्टवेयर के, अभी इसमें आपका जैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, एक तो आप जिसके ऊपर वर्क करते हो एमएस ऑफिस, ऑफिस हो गया, आप फोन के अंदर आपका होता है यूसी ब्राउजर, ब्राउजर हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया, एक्सेट्रा। ये पार्ट्स आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं इनको। अब देखो मैं समझने का मतलब क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट लेता है, यानी कि हमसे कुछ डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करके डेटा देता है, यानी कि उस डेटा को कैलकुलेट करता है और स्टोर करता है, क्या होता है वो, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस Which means to calculate data. Data यानी कि आपकी information, information को आप simple क्या क्या बोलोगे, जानकारी, आपकी जो भी जानकारी होती है, कोई भी आपकी जो भी काम करते हो आप, सभी उसको क्या बोलते हैं हम, data, information. जो भी काम आप computer में करते हो, phone में करते हो, any type of work, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, data. आगे समझ में? Okay. अभी इसमें वैसे तो आपका कंप्यूटर का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको बेसिक से समझना है कंप्यूटर का क्या होता है और किस लिए यूज होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच मीन्स टू कैलकुलेट डेटा एंड स्टोर, स्टोर डेटा आपका। ठीक है, अभी आपका कंप्यूटर का आपने देखा हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर भी आपके बहुत सारे पार्ट हैं। हार्डवेयर का आप देखोगे सीपीयू हो गया, अभी आप कंप्यूटर चलाते हो देखते हो आपका एक सीपीयू आपने देखा होगा, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीपीयू बोलते हैं। मॉनिटर क्या होता है, आप जैसे टीवी के टाइप का देखते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मॉनिटर। और मदरबोर्ड क्या होता है, आपके सीपीयू के ही अंदर एक पार्ट लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। अब ये देखो सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का आपका एमएस ऑफिस, यानी कि कंप्यूटर में आप जब भी वर्क करते हो तो एमएस ऑफिस के ऊपर वर्क करते हो। यूसी ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर आपका किस लिए यूज होता है, आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो, और गूगल क्रोम, दोनों का सेम यूज है। ओके, ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ